मैं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय से बोल रही हूँ। कवर्गे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो मेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा प्लस पीजी डिप्लोमा दोनों करा रही है, इसके लिए एलिजिबिलिटी 12th पास आउट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से। हेलो मैम, क्या आप सुन पा रही हैं? हाँ, तो ये मेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, जिसमें डिप्लोमा प्लस पीजी डिप्लोमा दोनों हो रहे हैं, 12th बेस इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। और जो पीजी डिप्लोमा है इन बेसिक हेल्थ प्रोटेक्शन, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बीएससी बायो नर्सिंग, बीएचएमएस, बीएएमएस और बी फार्मा से। तो मैम कोर्स 1 साल का है, जिसको एमबीबीएस एमडी डॉक्टर पढ़ाएंगे आपको, और इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस लगेंगी। ओके मैम, ठीक है, मैं बाकी की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ। सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में आए हुए हैं सेंटर शहडोल। सेंटर शहडोल की ये जो संस्था है, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे कोर्सेज वगैरह भी मिल रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के माध्यम से जितने भी मेडिकल से रिलेटेड डिप्लोमा है वो यहाँ पर कराए जा रहे हैं। तो चलिए आज इसकी जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और यहाँ पर की जो संस्था है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है आज एडमिशन को लेकर के कहीं ना कहीं का ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो है तो एडमिशन करवाना कैसे है, इसकी फ़ीस क्या होती है, तरह तरह के जो है तो सवाल उठते हैं। हमारे साथ हैं मैडम, इनसे जो है तो हम चर्चा करते हैं। मैडम, आप हमें ये बताइए कि आपका जो कॉलेज है, सबसे पहले तो ये संस्था है क्या, इस संस्था के बारे में भी बताइए, और यहाँ पर ऐसे कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं जो कराए जा रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से स्थापित ये संस्था है, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इससे ये मेडिकल से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं इसमें, जिसमें कि इसके लिए एलिजिबिलिटी 12th पास आउट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसके लिए कोई भी एज बंधन नहीं है। इससे मेडिकल में जो इंटरेस्टेड है स्टूडेंट वो कर सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर्स और बायो स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन पास आउट हैं बीएससी बायो, बीएचएमएस, बीएएमएस, बी फार्मा, वो बेसिक हेल्थ इन प्रोटेक्शन में कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर एक छोटा सा और सिस्टम जो मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पर, उसमें ये दिखाया गया कि जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लिनिक वाले होते हैं छोटे मोटे, जो कहीं किसी गाँव खेड़े में जो है तो रह रहे होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पर परेशान है, आपने देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि कई सारे लोग झोला छाप डॉक्टरों के नाम से किसी को बोल रहा होता है या कुछ भी, तो क्या उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है? उनके लिए भी ये एलिजिबिलिटी, वो इससे अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं और मेडिकल प्रोवाइड करा सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करा सकते हैं, ऑरोपैथिक होम्योपैथिक। आपके यहाँ जो मेन कोर्सेज हैं, जो सिलेबस आपके गवर्नमेंट के माध्यम से यहाँ पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो है तो एक सबसे अच्छी पहल है। पहले क्या होता था, प्राइवेट कॉलेज होते थे, प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अब डायरेक्ट गवर्नमेंट के माध्यम से हो रहा, तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं? इसमें प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ पहला कोर्स है, जो डिप्लोमा बेस पे होगा 12th पास आउट पे। डिप्लोमा इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ प्रोटेक्शन और डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी हैजर्ड मैनेजमेंट, ये 3 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा भी और कुछ? नहीं, ये 3 ही कोर्स है, और ग्रेजुएशन बेस पे बीएससी बायो नर्सिंग, जो कि ग्रेजुएशन पास आउट हुए बीएचएमएस, बीएएमएस, बी फार्मा, उनके लिए है इन बेसिक हेल्थ प्रोटेक्शन। अच्छा, किसी को अगर यहाँ पर एडमिशन करवाना है अपना, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है और इसकी 1 ईयर की फ़ीस क्या है? इसके लिए 1 ईयर की फ़ीस 25,000 है, जो कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। और अभी तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना है, एमपी ऑनलाइन से जाके इसका रजिस्ट्रेशन 500 रुपये में होगा, और इसका केंद्र कोड है 333। ये शहडोल सेंटर का आपका कोड होगा 333। और ये यहाँ पे शहडोल पे इसका सेंटर है, बुढ़ार चौक गणेश मंदिर विवेक पब्लिक स्कूल में। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप पब्लिक को देना चाहें कि जिससे लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़े? देखिए, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, लोग आजकल यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उसके लिए ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। इससे ये एक प्रकार का ऐसा कोर्स है कि जिसमें आप डिप्लोमा प्लस पीजी डिप्लोमा दोनों ही हैं, इससे आप अपनी क्लिनिक भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल में भी वर्क कर सकते हैं। इसमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा आपको।